इन दिनों फिजिकल हेल्थ के साथ ही साथ मेंटल हेल्थ भी चिंता का विषय बना हुआ है। लोग मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। इन्हीं में से एंग्जाइटी एक समस्या है जिसका लोग आजकल बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। तो अगर आप भी ज़रा ज़रा सी बातों पर परेशान हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, तो हम आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लाए हैं जिससे आप अपने इस स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सौम्या शुक्ला, स्वागत करती हूँ आपके अपने शो सेहत मंत्रा में। आज के समय में ऑफिस में काम के प्रेशर, पारिवारिक दिक्कत और हेल्थ के चलते लोग एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। कुछ लोगों में एंजाइटी की समस्या इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। एंजाइटी के कारण लोग डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। अगर आप या आपका कोई करीबी छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करता है या एंजाइटी की समस्या से परेशान है, तो यहाँ हम बताने वाले हैं एंजाइटी दूर करने के कुछ तरीके जिन्हें अपना कर आप एंजाइटी से राहत पा सकते हैं। सबसे जरूरी बात है कि एंजाइटी से बचने के लिए आप अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज को जरूर शामिल करें। इसके लिए आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं और अगर जिम जाने का समय नहीं है तो सुबह और शाम वॉक जरूर करें। रोजाना एक्सरसाइज करने से टेंशन कम होती है और एंजाइटी की समस्या में आराम मिलता है। एंजाइटी खत्म करने के लिए आप मेडिटेशन भी करना शुरू कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से डिप्रेशन की समस्या कम होती है और शरीर स्वस्थ रहता है। मेडिटेशन से मन शांत रहता है और हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। आप मन को शांत करने के लिए योगा भी कर सकते हैं। इसके अलावा भविष्य के बारे में चिंता करने या अतीत पर ध्यान देने की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। एंजाइटी मैनेज करने के लिए निगेटिव विचारों से दूरी बनाना जरूरी है। ऐसे में नकारात्मक विचारों को चुनौती देकर उन्हें ज्यादा अपना ध्यान पॉजिटिव विचार की तरफ रखना चाहिए। तो ये थी कुछ ऐसी टिप्स जो आपको आपकी एंजाइटी कम करने में मदद कर सकती है। तो ऐसे ही सेहत से जुड़ी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे शो सेहत मंत्रा के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।